रेडिएटर प्रोटेक्टर और इसमें तीन पार्ट्स आते हैं। कैसा जा रहा है यार, बहुत ज़्यादा मशक्कत हो रहा है इसमें। बहुत अजीब लगता है यार, 18-19 लाख रुपए किसी गाड़ी के लिए अपे कर रहे हो और कंपनी एटलीस्ट इसमें। तो लैपटॉप वगैरह लगा के डिकोडिंग वगैरह कुछ होता है सिस्टम का, फिट कर देंगे उसी का लॉक खुलता है। दोस्तों मैं हूँ राहुल मिश्रा और आ गया हूँ अपने थार को लेके महिंद्रा में, क्योंकि भाई कुछ एक्सेसरीज वगैरह नहीं लगाता तो आज इसको लगवाएंगे। सीट यार बकेट फिटिंग भी करवाना है, क्योंकि जो अंदर में सीट वगैरह लगा है बकेट फिटिंग नहीं कर पाया और बहुत बेकार मतलब उसका सेटिंग है, तो मज़ा नहीं आ रहा है। ये है यहाँ पे व्हील आर्च वगैरह जो लगता है, व्हील आर्च का ऑर्डर है। व्हील आर्च लगेगा, साथ ही साथ रेडिएटर प्रोटेक्शन वाला लगेगा और टैंक प्रोटेक्शन का लगेगा, तो ये दो तीन चीज़ लगेंगे। और पेपर वर्क वगैरह भी कुछ ड्यू है तो वो भी करवा लेंगे, सब कुछ बताएंगे आपको। ये व्हील आर्च स्लाइडिंग और यहाँ पे तो ये नॉर्मल लुक में ऐसे अभी लगेगा, लगने के बाद देखते हैं कैसा लगता है लुक। एकदम प्लेन सा है ये। और ये 16 पार्ट्स हैं, 4 यहाँ पे, 4 वहाँ पे और 4 उस तरफ, 4-4, तो ऐसे करके लगता है। उसके बाद लुक काफ़ी अचेंजमेंट हो जाता है, आप लोगों को भी दिखाएंगे कैसा लगेगा लुक। अभी वॉश हुआ है, वॉश के बाद थोड़ा बहुत पोंछ रहे हैं क्योंकि अच्छे से चिपक जाए, उस दिन पॉलिशिंग वगैरह हो गया था। जब भी मेक श्योर अगर आप लगवाते हैं तो पॉलिश वगैरह ना हो गाड़ी, अगर पॉलिश रहता है तो सही से चिपकेगा नहीं। इंस्टॉलेशन हो रहा है व्हील आर्च स्लाइडिंग का और यहाँ पे रेड कलर का जो टेप है वो काटने के बाद, इंस्टॉलेशन वगैरह लगाने के बाद इस तरीके से कुछ इसको फिट करते हैं। प्रॉपर देख के फिट करना पड़ता है क्योंकि थोड़ा बहुत भी अप डाउन होगा तो गड़बड़ होगा और लुक्स बिगड़ जाएगा। तो कुछ ऐसे इसको प्रेस करके बढ़िया से करते हैं। और ये बाकी के पार्ट्स रहे, यहाँ पे देखिए फ्रंट में लग भी गया है, और बताइए कि कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में। डिफरेंट तो हो जा रहा है, नो डाउट लुक्स कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा निकल के आ रहा है। फ्रंट से स्पेशली आप देखेंगे तो थोड़ा सा विड्थ भी बढ़ जाएगा गाड़ी का, हल्का सा विड्थ भी बढ़ा रहेगा वहाँ पे। साइड से भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है। रेडिएटर प्रोटेक्टर और इसमें तीन पार्ट्स आते हैं, ये मेन बॉडी हो गया, ये छोटा सा किट हो गया जो कि ऊपर लगेगा, और ये साइड के लिए आता है। इसको कसना मतलब नॉर्मल नहीं है, सभी लोग नहीं इसको सेट कर पाते हैं। यहाँ पर इसका इंस्टॉलेशन कुछ इस तरीके से होता है, वजह डिफ़िकल्ट है कसना और नॉर्मली कोई इसको जल्दी सेट नहीं कर पाता है, स्पेशली इस साइड, क्योंकि यहाँ पे लोग ऑफ रोडिंग वगैरह उतना करते नहीं हैं। तो जनरली कोई थार अगर ले रहा है तो उसका ये मतलब उतना लगवाता भी नहीं है। ये वाला जो बम्पर है इसके जस्ट बैक साइड में यहाँ पे ये लग रहा है पार्ट, इसमें कुछ इस तरीके से कस देते हैं, साइड से प्रोटेक्टिव रहेगा इससे। ये दोनों पार्ट यहाँ पर माउंट हो गए हैं, देखिए कुछ इस तरीके से इसको कस दिया गया है, आप देख सकते होंगे एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। कैसा जा रहा है यार, बहुत ज़्यादा मशक्कत हो रहा है इसमें, हो नहीं पा रहा है, फिर भी ट्राई किया जा रहा है। इतना इजी नहीं है इसको लगाना, यहाँ पहली बार लग रहा है मुझे, लग रहा है गोरखपुर में पहली बार लगाता नहीं है। हाँ ये क्यों लगा लल, पहले एक गाड़ी में लग चुका है पहले। लगभग लगभग हो चुका है सेट, तो कुछ इस तरीके से रेडिएटर गार्ड और बहुत अच्छा सा प्रोटेक्शन मिल जाता है। कोई बम्पर वगैरह कुछ भी अगर आगे से कुछ लड़ता है, बहुत ज़्यादा टफ था इसको लगाना। अब ऊपर से प्लास्टिक वाला कवर भी लगाया जा रहा है। फाइनली रेडिएटर प्रोटेक्टर लग गया है और अभी है लुक। ये दोस्तों टैंक गार्ड जो कि अभी लग चुका है, इंस्टॉलेशन हो गया है टैंक गार्ड का और बढ़िया है क्वालिटी इसका। कैमरे का इंस्टॉलेशन शुरू हो गया और सबसे पहले जो अपना इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसको बाहर निकाला जा रहा है। बहुत अजीब लगता है यार, 18-19 लाख रुपये किसी गाड़ी के लिए अपे कर रहे हो और कंपनी एटलीस्ट इसमें कैमरा तो देना चाहिए, रिवर्स कैमरा थोड़े सा के लिए। मतलब समझ में नहीं आता कितना कॉस्ट कटिंग करना चाहता है, फिर क्या प्रॉब्लम है कैमरा देने में, क्योंकि भाई कैमरे का रिक्वायरमेंट कभी ना कभी कहीं ना कहीं पड़ ही जाता है। अब आज की डेट में जहाँ पे कंपनियाँ 360 डिग्री कैमरा दे रहे हैं अपनी गाड़ियों में, वहाँ पे थार में आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा भी नहीं मिल रहा है, सोचने वाली बात है। तो लैपटॉप वगैरह लगा के डिकोडिंग वगैरह कुछ होता है सिस्टम का, फिट कर देंगे उसी का लॉक खुलता है कैमरा। अच्छा अच्छा अच्छा, लॉक कुछ खुलता है, लैपटॉप लगाना पड़ता है, कैमरे का कुछ लॉक होता है तो वो खुलता है। बाहर से अगर आप इंस्टॉलेशन करवा रहे हैं कैमरा तो लग तो जाएगा, लेकिन ये लॉक वगैरह नहीं खुल पाता है तो वारंटी वगैरह इशू हो जाता है, और यहाँ पे करवाने से ये इशू नहीं रहता है। पूरा यार नई गाड़ी का एक सिस्टम खोलना पड़ा। हेलो तो दोस्तों लैपटॉप वगैरह लग के जो भी डिकोडिंग वगैरह होना था सब कुछ हो गया डन। बहुत समय लग रहा है यार यहाँ पे, क्या ही कहा जाए, उतने ज़्यादा मतलब जानकार नहीं है लोग, और जानकार का मतलब यही है कि थार वगैरह में रिवर्स पार्किंग कैमरा या फिर जो भी मैंने रेडिएटर ग्रिल वगैरह रेडिएटर वाला प्रोटेक्शन लगवाया वो यहाँ पे बहुत कम लगता है, तो इसलिए थोड़ा सा इशू क्रिएट हो रहा है। सही ग्लव बॉक्स के रास्ते तार निकला है, ये देखिए आप तार देख सकते हैं यहाँ से, फिर इधर से करते 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 और पूरा
अंदर पूरा हो जाए, लास्ट में चला दिया बैक लाइट के रास्ते निकलेगा। तो इस तरीके से बीच में होल हो रहा है और उसके बाद फिर कैमरा यहाँ पे सेट होगा। बहुत समय लगता है अंदर में, बाहर में तो फटाफट सब कर देते हैं। कंपनी यार, कंपनी फिटेड जो चीज आता है वो चीज़ बेस्ट होता है, नो डाउट। फाइनली कैमरे का प्लेसमेंट हो गया और ये है कैमरा, क्लिप शेक हो रहा है यार। और क्लियरिटी यार एवरेज है, उतना बढ़िया भी नहीं है, वही होता है, एवरेज ही रहता है जनरली, उतना मज़ेदार नहीं है यार जिस हिसाब से, मतलब चार्जेज वगैरह हैं उस हिसाब से। यहाँ पे तो थोड़ा बहुत अभी अंधेरा भी है तो इसलिए उतना अच्छा क्लियर व्यू नहीं आ रहा है। इंफोटेनमेंट सिस्टम भी कस रहे हैं दोस्तों। ये है कैमरे का क्लियरिटी, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। टायर थोड़ा बहुत दिख रहा है यहाँ पे, प्रॉब्लम यही है। और स्क्रीन वही है, सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए फिर से लगा रहा हूँ रिवर्स कैमरा, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया, ओवरऑल ठीक है। फाइनली सब कुछ हो गया, ऑल ओके, एसेसरीज लग गया है। अब निकलते हैं घर के लिए, बहुत ज़्यादा समय भी लग गया। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।